सो यार गाइस 2023 आने वाला है एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ में लगातार अपडेट आते जा रहे हैं। खासकर जो भी माइक्रोसॉफ्ट के अभी करंट जो विंडोज़ चल रही हैं यानी विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11। गाइस विंडोज़ 11 में अभी हाल ही में 22H2 जो अपडेट हमें देखने को मिला गाइस, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है विंडोज़ ने, काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स डाले हैं। बट गाइस वहाँ पे आपको थोड़े से बग्स देखने को मिलते हैं क्योंकि भाई नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आए तो बेशक एक साल हो चुका है, बट गाइस विंडोज़ हर टाइम कुछ ना कुछ नए फीचर ला रही है जिसके कारण हमें कुछ मिनिमम बग्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अभी तक एंड्रॉयड में अभी तक हमें बग्स देखने को मिलते हैं, तो विंडोज़ तो इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट गाइस यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आज की डेट में आपका जो सिस्टम है वो कौन सी विंडोज़ को रन करने के लिए कैपेबल है। यानी अब अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो आपके पास दो ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11। क्योंकि गाइस विंडोज़ 7 तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कब से डिसकंटिन्यू हो गई है, विंडोज़ 8 भी, एंड दो ही ऑप्शन है अभी विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 जिसमें हमें जो हमारे सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो का जो हमारा मेन जो मुद्दा है वो है कि भाई आज की डेट में आपको अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी विंडोज़ को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए जिससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कोई भी आपको फीचर में कोई भी दिक्कत ना आए एंड आपका हर एक सॉफ्टवेयर रन हो। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर होंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी कि मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, मैंने कंपैरिजन किया था विंडोज 7 एंड विंडोज 10 एंड विंडोज 11 का। तो गाइस उस वीडियो में मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला आप सभी का, बट गाइस वहाँ पे सभी का ये डाउट था कि भाई हमारे सिस्टम में इतनी स्पेक्स है, हमारे सिस्टम में 8 GB का रैम है, ये वाला प्रोसेसर है, एंड हमारे सिस्टम में कौन सी विंडोज़ बेस्ट रहेगी। तो गाइस यही आज की वीडियो का मेन मोटिव है कि मैं आपके ये सभी डाउट्स क्लियर कर सकूँ कि आप अपने सिस्टम में आपकी अगर इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना हार्डवेयर की कैपेसिटी है, तो आप ये वाली विंडोज़ के साथ जाइए, अगर इतना हार्डवेयर है तो ये वाली विंडोज़ के साथ जाइए। तो बेसिकली आज मैं फीचर्स वगैरह जिस पर जनरली सभी बात करते हैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं मेन जो मुद्दे की बात करूँगा तो जिससे आपके सिस्टम में विंडोज़ जो भी आप डालें अच्छे से परफॉर्म करें एंड आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे गाइस हमारे बेसिकली मैं आपको पॉइंट्स पे बताऊंगा, सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है एंड यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में कौन सी विंडोज़ चल पाएगी। हाँ तो गाइस यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रैम। तो गाइस रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, चाहे वो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो या हमारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो गाइस अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपके सिस्टम में 2 GB का रैम, 4 GB का रैम, अगर 2 या 4 GB का रैम है तो आप विंडोज़ 10 पे ही रहो, विंडोज़ 11 में अपग्रेड नहीं करना। यू गाइस कोई फन नहीं बनता क्योंकि विंडोज़ 11 में जो भी हमारे एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह सपोर्ट करते हैं या आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं वो 8 GB रैम में देखने को मिलते हैं, 4 GB रैम में वो सब आपको देखने को नहीं मिलता है। 4 GB रैम में विंडोज़ 11 लैग करती है, जी हाँ गाइस, एंड उसकी जो रैम आपकी जो यूजेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी एंड आपको प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल सकती है। एंड विंडोज़ 11 का सबसे बड़ा यही कारण है कि विंडोज़ 11 ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है। कंज्यूम करने का कारण वही है कि भाई उसमें फ़ीचर वगैरह सब कुछ ज़्यादा है, तो भाई जितने ज़्यादा फीचर उतना ज़्यादा रैम यूज़ करेगी। तो भाई जिसका इजी सा फंड है तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि अगर आपके सिस्टम में 2 GB रैम एंड 4 GB रैम है तो आप विंडोज़ 10 पे रहो, अगर आपके सिस्टम में 6 GB का रैम, 8 GB का रैम, 12 GB का रैम, 16 GB का रैम, 32 GB का रैम, अगर इतना रैम है तो आप विंडोज़ 11 पे ज़रूर अपग्रेड करें। ज़रूर अपग्रेड मतलब अभी आप मेरे बाकी पॉइंट्स भी सुनना। तो गाइस जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है स्टोरेज के लिए। तो अगर आपके सिस्टम में SSD नहीं है तो भाई विंडोज़ 10 में ही रहो, विंडोज़ 10 में बढ़िया चलेगा आपका काम, विंडोज़ 11 में मत आना। क्योंकि गाइस मेरे सिस्टम में भी अभी हार्ड डिस्क ही है, मैं SSD नहीं यूज़ करता एंड मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैं किसको बताऊँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने देखने को मिलती है। जो विंडोज़ है वो बूट ही इतनी देर बाद होती है, मतलब 1 मिनट तो बूट करने में लग जाता है। तो विंडोज़ 10 बढ़िया है भाई अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क है, एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अभी SSD के रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, 128 GB वाली जो SSD है वो डलवा लो अपने सिस्टम में, बढ़िया काम चल जाएगा, बट वो एक अलग चीज़ है, ठीक है गाइस। एंड अगर आपके सिस्टम में SSD है प्लस हार्ड डिस्क भी, कोई चक्कर नहीं है, अगर आपके सिस्टम में SSD है तो आप विंडोज़ 11 में मोस्ट वेलकम, ठीक है गाइस। आप मेरी हर एक बात ध्यान से समझो। देन मार्ग थर्ड पॉइंट आता है वो गाइस आता है प्रोसेसर का। तो अगर आपके सिस्टम में i3, i5, i7 या फिर i9, कोई i9 वाला भी अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो गाइस इन सभी प्रोसेसर की कोई भी जनरेशन का अगर आपके सिस्टम में प्रोसेसर है तो आप विंडोज़ 11 में अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपके सिस्टम में 8th जनरेशन से कम का प्रोसेसर है तो वहाँ पे गाइस आपके सिस्टम में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के टाइम दिक्कत आ सकती है। तो आपको आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगी कैसे आप अपनी विंडोज़
11 इंस्टॉल कर सकते हैं अनसपोर्टेड पीसी में, जिसमें 8th जनरेशन से कम का प्रोसेसर है, तो वो एक अलग चीज़ होगी, बट आप आई बटन में दिन देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, अभी नहीं, जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आपको वो वीडियो हेल्प कर देगी। सो गाइस, अब मेन बात पे आते हैं कि अगर आपके सिस्टम में, मैंने आपको जैसे बताया कि जाना माना जो हमारे प्रोसेसर आते हैं i3, i5, i7, i9, इन सभी प्रोसेसर से कोई भी जनरेशन का अगर आपके सिस्टम में प्रोसेसर है तो आप विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। एंड मेन बात आती है कौन नहीं कर सकता, तो वो आता है कोर टू डुअर वाले, जो कोर वाले प्रोसेसर आते हैं, हमारी कोर सीरीज आती है, पेंटियम सीरीज आती है जो पुरानी वाली, उन सभी सीरीज के प्रोसेसर में विंडोज 11 मत चलाइए, क्योंकि विंडोज 11 उन सभी प्रोसेसर को सपोर्ट भी नहीं करती है, उसमें बहुत ज़्यादा लैग करती है। तो अगर आपके सिस्टम में इतना पुराना प्रोसेसर है तो उससे विंडोज 11 अपग्रेड नहीं करना। एंड यहाँ पे आप सोचोगे यार AMD वालों के बारे में कुछ बता दो, तो भाई AMD अभी जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं वो सब विंडोज 11 को रन कर देते हैं, तो AMD वालों के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा, गो फॉर विंडोज 11, ठीक है, अगर आपके सिस्टम में, और मैं जितने पॉइंट बता रहा हूँ वो सभी हैं। देन गाइस हमारी बात आती है ग्राफिक्स कार्ड की, तो भाई ग्राफिक्स कार्ड की कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप विंडोज़ चला नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राफिक कार्ड मेनली गेमिंग के लिए होता है, विंडोज़ के लिए नहीं होता, विंडोज़ के लिए प्रोसेसर तक ही होता है। बट गाइस आपके सिस्टम में अगर 1 GB तक का ग्राफिक्स कार्ड है तो बढ़िया रहेगा, अगर आपके सिस्टम में इंटेल HD है या AMD का जो भी कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता है वो भी है तो बढ़िया रहेगा, विंडोज 11 आपकी चल जाएगी। यहाँ पे गाइस लास्ट में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एक गेमर हैं या फिर एडिटर हैं या हैवी यूज़र हैं, तो यार गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट किया गया कि भाई आपको जितनी परफॉर्मेंस विंडोज़ 10 में देखने को मिलती थी उतनी विंडोज़ 11 में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती, भले ही आपका हार्डवेयर हाई एंड है या कुछ भी है। तो गाइस ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी एक डाउट क्रिएट किया गया, क्योंकि गाइस जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इन्होंने ये चीज़ कही तो थी, बड़े गाइस कही थी जब विंडोज़ नई लॉन्च हुई थी विंडोज़ 11, तो गाइस तब क्या था कि विंडोज़ 11 में काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिले थे, क्योंकि गाइस नया ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स तो देखने को मिलते ही हैं। बट गाइस आज की डेट की विंडोज़ 11 में जितने भी हमारे बग्स की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, एंड हैप्पीली जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आती थी FPS वाली या हीटिंग इशू या एंड ऑल दैट वो अभी नहीं देखने को मिल रहा। तो आप बेझिझक होकर विंडोज़ 11 में अपग्रेड करें, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि भाई इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी विंडोज़ सिस्टम की होनी चाहिए कि आपका विंडोज़ 11 आसानी से रन हो पाए, एंड आप जो भी सॉफ्टवेयर रन करें, गेम रन करें, उसकी भी मिनिमम जो जितनी भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है आपका सिस्टम फुलफिल करना चाहिए। तो गाइस ये दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस मैंने आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, आई होप आपको कोई भी डाउट अभी नहीं बचा होगा।